एंगोला। तेल व प्राकृतिक संसाधनों से भरा हुआ मध्य अफ्रीका में स्थित एक खूबसूरत राष्ट्र, पर 1975 में सैकड़ों सालों के बाद आज़ादी मिलते ही कई धड़ों के सत्ता पर नियंत्रण को लेकर एक गृह युद्ध में फंस कर रह गया। एक गृह युद्ध जो शीत युद्ध के समय उभरा व पूर्वी एवं पश्चिमी धड़ों के बीच की लड़ाई का केंद्र बन गया। एक गृह युद्ध जो 27 साल तक चला व एक गहन मानवीय त्रासदी की वजह बना। एक गृह युद्ध जिसने मानवता को शर्मसार कर दिया। एंगोला शुरू से ही जनजातिगत एक बेहद विविध क्षेत्र रहा था, पर 15वीं शताब्दी में पुर्तगाल ने यहाँ अपना औपनिवेशिक शासन स्थापित कर लिया व यहाँ के लोगों को गुलाम बनाकर उनका व्यापार करने लगे। हालांकि शुरू में वे तटीय क्षेत्र को ही अपने नियंत्रण में लिए हुए थे, पर 19वीं सदी के बाद उन्होंने अंदर के क्षेत्रों में बढ़त बनानी शुरू कर दी। वर्तमान एंगोला 1920 के दशक में अस्तित्व में आया, जब औपनिवेशिक पुर्तगाल सरकार ने राष्ट्र की सीमाओं का निर्धारण किया। ये वो समय था जब दुनिया भर में उपनिवेशवाद के खिलाफ संघर्ष तेजी से पनप रहा था और लोग खुलकर आज़ादी की मांग करने लगे थे। एंगोला में भी ऐसी ही मांगें उठने लगी थीं। 1945 के बाद शीत युद्ध की शुरुआत हुई और दुनिया दो धड़ों में बंटने लगी। इसी रस्साकसी के बीच राष्ट्र में आज़ादी समर्थक कई आंदोलनों व संगठनों ने जन्म लिया, जिसमें पहला था 1950 में अस्तित्व में आया साम्यवादी विचारधारा का संगठन पीपल्स मूवमेंट फॉर लिबरेशन ऑफ एंगोला, यानी MPLA। इस संगठन को लेफ्टिस्ट राष्ट्र सोवियत यूनियन व क्यूबा से पूरा समर्थन मिला व यूगोस्लाविया ने भी इसे बड़ा आर्थिक सहयोग दिया। दूसरा एक संगठन था नेशनल यूनियन फॉर इंडिपेंडेंस ऑफ एंगोला, यानी यूनिटा। इसकी नींव रखी थी एक विद्रोही नेता जोनस साविम्वी ने 1966 में। इस संगठन को शुरुआत में चीन व अमेरिका के बाद साउथ अफ्रीका का भी समर्थन मिला था। ऐसा ही एक और संगठन था नेशनल फ्रंट फॉर द लिबरेशन ऑफ एंगोला, जिसे अफ्रीका के कई तानाशाह समर्थन दे रहे थे। राष्ट्र में सरकार के खिलाफ आज़ादी के लिए विद्रोह तेज हो गया था। संगठनों ने भी गुरिल्ला युद्ध छेड़ दिया था। सरकार भी इस समस्या से निपटने के लिए हिंसक कार्यवाहियों पर आमादा हो गई थी व हजारों की संख्या में लोग मारे जा रहे थे। दोनों ही ओर से आज़ादी की इस जंग में भारी नुकसान हो रहा था व दुनिया भर में पुर्तगाल की औपनिवेशिक नीतियों व हिंसक कार्यवाहियों का विरोध होने लगा था। पुर्तगाल में भी इस जंग का भारी विरोध होने लगा था, जिसके बाद 1975 में एक क्रांति के बाद पुर्तगाल में सत्ता परिवर्तन हो गया और नई गठित हुई सरकार ने एंगोला की स्वतंत्रता की घोषणा कर दी। आज़ादी के बाद करीब 5,00,000 पुर्तगाली राष्ट्र से पलायन कर गए। पुर्तगाली समुदाय ही राष्ट्र की शासन व्यवस्था, कृषि एवं उद्योगों को संभाले हुए थे तथा मूल एंगोला वासियों की बहुत बड़ी संख्या अशिक्षित थी, जिस कारण राष्ट्र की अर्थव्यवस्था गर्त में चली गई। आजादी मिलने के बाद सभी संबंधित पक्षों के बीच शांति व सरकार की स्थापना के लिए एल्वर समझौता साइन हुआ, पर सरकार की स्थापना के बाद भी सभी पक्षों के बीच भारी अविश्वास था।
वैचारिक मतभेद भी बढ़ चढ़कर बोल रहे थे। नस्लीय मतभेद भी कम नहीं थे। वह कोई भी संगठन सत्ता को दूसरों के साथ बांटना नहीं चाहता था। उधर दूसरे राष्ट्रों को भी यहाँ अपने अपने हित दिख रहे थे। एक तरफ लेफ्टिस्ट व राइटिस्ट एंगोला को अपने अपने धड़ों में शामिल करना चाहते थे, वहीं साउथ अफ्रीका की अपार्थिस सरकार अपने यहाँ किसी भी संभावित विद्रोह को रोकने के लिए एंगोला में अपनी पसंद की सरकार स्थापित करना चाहती थी, जिसके बाद सभी दलों के बीच सत्ता पर नियंत्रण को लेकर सिविल वॉर शुरू हो गया। लेफ्टिस्ट संगठन MPLA ने बढ़त बनाते हुए दूसरे संगठन FNLA व यूनिटा को खदेड़ दिया व 15 में से 11 प्रांतों पर नियंत्रण स्थापित कर लिया। एंगोला को लेफ्ट के हाथों में जाता देख साउथ अफ्रीका ने FNLA व यूनिटा की मदद के लिए अत्याधुनिक हथियार से लैस 2000 सैनिक भेजे। पड़ोस के तत्कालीन राष्ट्र जैर ने भी बड़े स्तर पर बख्तरबंद वाहन, पैराट्रूफर्स व बटालियन भेजी। इस सैन्य मदद के सहारे कुछ ही समय में पहले हार चुकी यूनिटा ने बढ़त बनाना शुरू कर दी व 5 प्रांत अपने नियंत्रण में ले लिए। MNLA को हारता देख लेफ्टिस्ट देशों ने तुरंत सीधे तौर पर सैन्य हस्तक्षेप किया। क्यूबा ने तुरंत 18,000 सैनिकों का दस्ता एंगोला भेजा, जिसे उसने ऑपरेशन कार्लोटा नाम दिया। सोवियत संघ ने बड़ी संख्या में गोला बारूद के साथ सैन्य सलाहकार भेजे व यूगोस्लाविया ने भी 2 युद्धपोत भेजे, जिसके बाद जंग की हवा ही बदल गई। लेफ्टिस्ट MPLA ने यूनिटा को फिर पीछे धकेल दिया व FNLA को भी बुरी तरह हराकर सीमा पार खदेड़ दिया। 11 नवंबर 1975, लगभग पूरे एंगोला को फिर से नियंत्रण में लेने के बाद MPLA ने पीपल्स रिपब्लिक ऑफ एंगोला की स्थापना की। वह संगठन के लीडर एगस्टिनो नेटो को राष्ट्र का पहला राष्ट्रपति नियुक्त किया गया। वहीं दूसरी ओर इसके जवाब में यूनिटा व FNLA ने मिलकर एक साझा सरकार गठित की व डेमोक्रेटिक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ एंगोला की स्थापना की, जिसमें यूनिटा लीडर जोनस साबिम भी राष्ट्रपति बने। अमेरिका ने भी राष्ट्र को लेफ्ट के धड़े में जाता देख विरोधी दलों को बड़े स्तर पर आर्थिक मदद पहुंचाई। चूंकि यूनिटा का हीरो की खदानों वाले इलाकों पर नियंत्रण था, जिस कारण यह संगठन बड़े स्तर पर डेवियर्स बा एंडियामा जैसी पश्चिमी हीरा कंपनियों को हीरा सप्लाई कर रहे थे और होने वाले मुनाफे से हथियार खरीद रहे थे। जानकार इस वक्त तक गृह युद्ध को पूर्वी एवं पश्चिमी धड़ों के बीच का प्रॉक्सी वॉर कहने लगे थे। विरोधी संगठनों ने MPLA की सरकार के खिलाफ गुरिल्ला वॉर छेड़ रखा था। वह इनसे निपटने के लिए MPLA ने सैनिक दूसरे देशों में ट्रेनिंग के लिए भेजना शुरू कर दिए थे। MPLA साउथ अफ्रीका की प्राइवेट मिलिट्री फर्म एग्जीक्यूटिव आउटकम्स की भी सेवाएं ले रहा था। उधर राष्ट्र में ठहरे क्यूबा व साउथ अफ्रीका के सैनिकों में आपसी झड़पें होती रहती थीं। इन झड़पों में आम नागरिक भी बड़ी संख्या में अपनी जान गंवा रहे थे। बहुत बड़े स्तर पर मानवाधिकार हनन के मामले सामने आ रहे थे। 1985 के आते आते क्यूबा ने भी राष्ट्र में अपने सैनिकों की संख्या बढ़ाकर 40,000 कर दी थी। वहीं एंगोला कोल्ड वॉर के समय अमेरिका व सोवियत संघ के बीच प्रमुख रणनीतिक केंद्र बनता जा रहा था। इसी बीच 14 अगस्त 1987 को दोनों पक्षों के बीच क्विंटो कुआनवेल प्रांत में भीषण लड़ाई की शुरुआत हुई, जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद अफ्रीकी महाद्वीप पर होने वाली सबसे बड़ी जंग बन गई। 23 मार्च 1988 तक करीब 7 महीने चली जंग में दोनों ही ओर से भारी नुकसान हुआ। जहां विरोधियों ने करीब 3,000 सैनिक खोए, वहीं लेफ्टिस्ट खेमे ने 5,000।
जंग में दोनों ही ओर से जीत का क्लेम किया गया, पर विरोधियों ने बढ़त हासिल की थी। इस भीषण जंग के बाद समझौते के लिए प्रयास तेज कर दिए गए। आखिरकार 22 दिसंबर 1988 को सभी पक्षों के मध्य पहला शांति समझौता न्यूयॉर्क एकॉर्ड के रूप में सामने आया, जिसमें विदेशी सैनिकों द्वारा आंतरिक गृह युद्ध में शामिल ना होने पर सहमति बनी, जिसके बाद शांति स्थापना के लिए यूनाइटेड नेशंस ने भी यूएन एंगोला वेरिफिकेशन मिशन की स्थापना कर राष्ट्र में शांति रक्षक भेजे। जून 1989 में दोनों पक्षों के बीच सीज फायर पर भी सहमति बनी। अगले साल 1990 में दुनिया भर में अभूतपूर्व राजनीतिक परिवर्तन हुए व सोवियत यूनियन टूट गया। वहीं साउथ अफ्रीका की अपार्थिड सरकार भी गिरने की कगार पर थी। सोवियत मदद बंद होने के बाद एमपीएलए को भी एंगोला में बड़े राजनीतिक परिवर्तन करने पड़े। राष्ट्र में मार्क्सिस्ट व लेनिनिस्ट विचारधाराओं को छोड़ लोकतांत्रिक बहुदलीय व्यवस्था यानी डेमोक्रेटिक मल्टी पार्टी सिस्टम की शुरुआत की। 31 मई 1991 एमपीएलए के लीडर व राष्ट्रपति डॉस सैंटोस व यूनिटा लीडर जोनस साबिम्बी पुर्तगाल के लिस्बन शहर में मिले व शांति स्थापना के लिए विसीज एकॉर्ड साइन हुआ। एकॉर्ड में साल भर के अंदर आम चुनाव आयोजित करने व यूनिटा के लड़ाकों का एंगोला की सेना में विलय करने पर सहमति बनी। उधर इस समय तक क्यूबा व साउथ अफ्रीका भी राष्ट्र से अपनी अपनी सेनाओं को वापस बुलाने लगे थे। सितंबर 1992 में आयोजित हुए देशव्यापी चुनावों में जहां डॉस सैंटोस को 49.57% मत मिले, वहीं साबिम्बी को 40%। किसी भी दल को सरकार बनाने के लिए निर्धारित 50% मत ना मिलने के कारण पुनः चुनाव कराया जाना निर्धारित हुआ, पर जोनस साबिम्बी ने सरकार पर चुनाव में हेरफेर व उनके समर्थकों को वोटिंग लिस्ट से बाहर कर देने का आरोप लगाया, जिसके बाद जो भयावह स्थिति सामने आई उसने मानवता को शर्मसार कर दिया। 31 अक्टूबर 1992 सरकारी सैनिकों ने यूनिटा के ठिकानों को निशाना बनाना फिर से शुरू कर दिया। एमपीएलए समर्थकों ने घर घर जाकर यूनिटा समर्थकों की हत्याएं करना शुरू कर दी। इस कत्लेआम में पुलिस ने भी उनका साथ दिया व उन्हें हथियार मुहैया कराए। हजारों लोगों को कब्रिस्तान ले जाकर गोली मार दी गई व वहीं दफन कर दिया गया। सैनिकों ने यूनिटा के उपराष्ट्रपति जेरेमियास चिंटुंडा को पकड़ लिया व सिर में गोली मार दी। देश भर में 10,000 से ज़्यादा यूनिटा समर्थक ओविन बुंदू जनजाति व समर्थकों को मौत के घाट उतार दिया गया। इतिहास में इस कत्लेआम को हेलोवीन मैसेकर के नाम से दर्ज किया गया। इस कत्लेआम के बाद चुनाव प्रक्रिया रुक गई, सारे समझौते टूट गए व भीषण गृह युद्ध फिर से छिड़ गया। क्योंकि एमपीएलए से क्यूबा व सोवियत यूनियन का समर्थन हट गया था, जिससे वह संगठन काफ़ी कमज़ोर हो गया था, जिसका फ़ायदा उठाते हुए यूनिटा ने ज़बरदस्त बढ़त हासिल की व एक के बाद एक कई प्रांत नियंत्रण में ले लिए। जंग शहरों तक आ गई थी, हजारों की संख्या में लोग विस्थापित हो रहे थे। दोनों ओर से नस्लीय हिंसा अपने चरम पर थी, जिस कारण 10,000 लोगों की हत्या कर दी गई थी। सभी शांति स्थापना के प्रयास विफल हो रहे थे, जिसके चलते सुरक्षा परिषद ने सितंबर 1993 में यूनिटा पर एम्बार्गो लगाकर उसे हथियार व ईंधन बेचने पर रोक लगा दी। उधर यूनिटा द्वारा मानवाधिकार हनन की खबरें सामने आने के बाद अमेरिका ने भी यूनिटा को दी जाने वाली आर्थिक मदद रोक दी, पर इस समय तक यूनिटा 70% भूभाग पर अपना नियंत्रण स्थापित कर चुका था। यूनिटा पर पाबंदियां लगने के बाद एमपीएलए ने बढ़त बनानी शुरू कर दी थी।
पर चुनाव के बाद से इस समय तक राष्ट्र में 1,20,000 से ज़्यादा लोग मारे जा चुके थे, जिस कारण दोनों ही पक्षों पर संघर्ष विराम व समझौते के लिए अंतर्राष्ट्रीय दबाव पड़ रहा था। जिसके बाद 31 अक्टूबर 1994 को जाम्बिया में दोनों पक्षों के प्रतिनिधि मिले व शांति स्थापना के लिए लुसाका प्रोटोकॉल साइन हुआ। समझौते में सीज फायर पर सहमति बनी व यूनिटा के लड़ाकों व अफसरों को सेना व पुलिस में शामिल करना तय हुआ। समझौते के तहत यूनिटा के लीडर्स को घर व दफ्तर भी प्रदान किए जाने थे व खदान, स्वास्थ्य, व्यापार व पर्यटन जैसे प्रमुख विभाग भी यूनिटा को सौंपे जाने थे। गवर्नमेंट की ओर से गृह युद्ध में शामिल सभी लड़ाकों को एमनेस्टी भी प्रदान की जानी थी। समझौते की देखरेख के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय आयोग का भी गठन हुआ, जिसमें पुर्तगाल, अमेरिका व रूस से अधिकारी शामिल हुए। इस समय तक एमपीएलए ने भी 60% हिस्से पर पुनः नियंत्रण स्थापित कर लिया था। हालांकि समझौता बहुत ज़्यादा प्रभावी नहीं था। दोनों ही पक्षों में एक दूसरे के प्रति गहन अविश्वास था व सारे प्रतिबंधों को दरकिनार कर दोनों ही ओर से बड़े स्तर पर छोटे व बड़े हथियार खरीदे जा रहे थे। अनेकों बार राजनीतिक गतिरोध यानी पॉलिटिकल डेडलॉक की स्थिति भी पैदा हुई, जिसके बाद 4 दिसंबर 1998 को एमपीएलए समर्थित एंगोलन आर्मी ने यूनिटा के ठिकानों पर फिर से हमले शुरू कर दिए, जिस पर राष्ट्रपति व एमपीएलए लीडर डॉस सैंटोस ने बयान जारी कर कहा कि युद्ध ही शांति का अंतिम विकल्प है व उन्होंने यूनाइटेड नेशंस पीसकीपिंग फोर्स को भी देश छोड़कर चले जाने के लिए कह दिया, जिसके बाद सिक्योरिटी काउंसिल ने पीसकीपिंग फोर्स वापस बुला ली। उधर दूसरी ओर यूनिटा में जोनस साबिम्बी के तानाशाही रवैये के चलते संगठन में फूट पड़ने लगी थी व वह टूटने लगा था। सन 2000 के आते आते हजारों लोग यूनिटा छोड़कर जा चुके थे। इस समय तक अंगोलन आर्मी ने ऑपरेशन रिस्टोर चलाकर एक के बाद एक कई शहर यूनिटा के नियंत्रण से छुड़ा लिए थे व यूनिटा की 80% युद्ध क्षमता को भी खत्म कर दिया था। यूनिटा से कई हीरो की खदानें भी छीन ली गई थीं, जिस कारण यूनिटा आर्थिक तौर पर भी काफ़ी कमज़ोर हो गया था व यहां तक कि वह अपने लड़ाकों को वेतन भी नहीं दे पा रहा था। यूनिटा को अलग थलग करने के लिए अंगोलन आर्मी बड़ी संख्या में इलाकों को खाली करा रही थी व लोगों को नए स्थानों पर भेज रही थी, जिस कारण बड़े स्तर पर लोग अपने घरों से विस्थापित हो रहे थे। 22 फरवरी 2002 अंगोलन आर्मी ने मॉक्सिको प्रांत से यूनिटा के लीडर जोनस साबिम्बी को पकड़ लिया व उनकी हत्या कर दी, जिसके बाद यूनिटा ने सीज फायर की घोषणा कर दी। 3 मार्च 2002 एंगोला की सरकार ने सभी मिलिट्री ऑपरेशंस को रोक गृह युद्ध की समाप्ति की घोषणा कर दी। आज़ादी के 27 साल बाद पहली बार झड़पें पूरी तरह से बंद हुई थीं व शांति की स्थापना हुई थी। सत्ताईस साल तक चली जंग ने राष्ट्र में बेहद गंभीर मानवीय त्रासदी पैदा कर दी थी। पूरी जंग के दौरान 8,00,000 से ज़्यादा लोग मारे गए व 40,00,000 से ज़्यादा विस्थापित हो गए, जो राष्ट्र की एक तिहाई आबादी थी। दोनों ही ओर से नस्लीय हिंसा को बड़े स्तर पर अंजाम दिया गया। बहुत बड़ी संख्या में महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न के मामले सामने आए। ह्यूमन राइट्स वॉच के अनुसार
दोनों ही ओर से 10,000 से ज्यादा बच्चों को लड़ाकों व सेना में शामिल किया गया व उनसे जबरन हत्याएं कराई गईं। 8,000 से ज्यादा नाबालिग लड़कियों की शादी जबरन यूनिटा के लड़ाकों से कराई गई व कईयों को मानव तस्करी में झोंका गया। जंग में जीत के बाद भी यूनिटा कमांडर्स को पुरस्कार में एक महिला भेंट की जाती थी। इसके अलावा 1,00,000 से ज़्यादा बच्चे अपने परिवारों से अलग हो गए। यूनाइटेड नेशंस के अनुसार युद्ध खत्म होने के बाद देश में गरीबी भयावह स्थिति पर पहुंच गई। 80% आबादी के पास मूलभूत स्वास्थ्य सेवाएं भी ना थीं। 60% लोग पीने लायक पानी से भी वंचित थे व 30% बच्चे 5 वर्ष के होने से पहले ही मर जाते थे। कुपोषण अपने भयावह स्तर पर था। HDI गिरकर 155 पर आ गई थी व लाइफ एक्सपेक्टेंसी 40 साल से भी कम रह गई थी। युद्ध में राष्ट्र के करीब आधे स्कूल तबाह हो गए थे जिससे बच्चे शिक्षा से दूर हो गए थे। अर्थव्यवस्था बेहद गिर गई थी व उद्योग खत्म हो गए थे। सड़कें व पुल तबाह हो गए थे। युद्ध के समय पूरे राष्ट्र में बारूदी सुरंगें बिछा दी गई थीं, जिनसे अब तक अनगिनत लोग मारे गए व 70,000 से ज़्यादा लोगों ने अपने अंगों को खो दिया। शांति स्थापना के बाद यूनिटा के नए लीडर्स ने उसे एक राजनीतिक दल में बदल दिया व उसके लड़ाकों ने भी हथियार डाल दिए, जिसके बाद यूनाइटेड नेशंस ने यूनिटा बाय एंगोला की सरकार पर लगाए सभी प्रतिबंध खत्म कर दिए व शांति मिशन को भी खत्म कर UN ऑफिस इन एंगोला की स्थापना की। सरकार ने भी पुनर्वास के प्रयास तेज कर दिए व विश्व बैंक ने भी $33 मिलियन की मदद इसके लिए की। 2014 तक लगभग 50,000 से ज़्यादा बारूदी सुरंगें निष्क्रिय कर दी गईं। हालांकि लोग अभी भी इसके कारण अपनी जान गंवा रहे हैं। वर्तमान में राष्ट्र में शांति है व सरकार पुनर्निर्माण का कार्य तेजी से कर रही है। हालात धीरे धीरे सुधर रहे हैं व गहरे जख्म धीरे धीरे भर रहे हैं।